नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। महिलाओं के जीवन का सबसे खास पल उस वक्त होता है जब वह गर्भवती होती है और अपनी पहली संतान को जन्म देती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे मुश्किल दौर भी यही होता है जब कोई महिला पहली बार गर्भधारण करती है। इस दौरान महिला के शरीर को आराम के साथ ही पौष्टिक खाना, चिकित्सा सलाह आदि की जरूरतें होती है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव के दौरान कुछ आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं या फिर पहले प्रसव के बाद महिलाओं को आर्थिक राहत पहुंचाना है। इस स्कीम से बच्चे के जन्म लेने के बाद जरूरी चीजों की पूर्ति करने में गरीब और दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाओं को खास करके लाभ मिलता है। इसका लाभ बिहार सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलता है। अच्छी बात तो यह है कि 5000 पाने के लिए महिलाओं को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, जबकि सिर्फ नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बाद पहले प्रसव वाली महिला का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद 3 किश्तों में 5000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई महिला पहली बार बच्चे को जन्म देने जा रही है तो इस योजना का लाभ उन्हें दिलाया जा सकता है। तो चलिए आपको सारी प्रक्रिया व इससे जुड़ी तमाम अन्य बातों को विस्तार से बताते हैं। बिहार के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहां इस योजना का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इसका कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जबकि हर राज्य के समाज कल्याण विभाग का यह काम होता है कि राज्य में इस योजना को लाभुकों तक पहुँचाया जाए। इस योजना का लाभ यूँ तो वैसी महिलाओं को मिलता है जिसका पहला प्रसव होने वाला है या फिर हो चुका है, यानी कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ही इसकी लाभुक होती है। हालांकि जो महिलाएं राज्य या केंद्र सरकार या फिर सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रूप से रोजगार कर रही हो या फिर इसी तरह की किसी योजना का लाभ ले रही हैं, तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलता है। लाभार्थी महिला को पास के सरकारी अस्पताल में गर्भ धारण करने के साथ ही मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी कि MCP कार्ड बनवाना होगा, जिससे पता चल सकेगा कि महिला का गर्भ किस दिन शुरू हुआ। योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर 5000 रुपए मिलते हैं। ये रुपए 3 किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। पहली किस्त में 1000 रुपए मिलते हैं, जो गर्भ धारण करने के 150 दिनों के अंदर नजदीकी आंगनबाड़ी से या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलते हैं। दूसरी किस्त में 2000 रुपए मिलते हैं, जो गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने और प्रसूति पूर्व चेकअप यानी कि ANC चेकअप होने के बाद मिलते हैं। वही तीसरी और आखिरी किस्त में बाकी के बचे 2000 रुपए मिल जाते हैं, जो कि बच्चे के जन्म लेने, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस टीकों के पहले डोज लगने के बाद ही मिलते हैं। योजना के पात्र महिलाएं प्रथम किस्त के आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक और MCP कार्ड की फोटोकॉपी के साथ अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जा सकती हैं, जहां एक आवेदन फॉर्म भरकर उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। दूसरी किस्त के लिए लाभुक महिला को प्रसूति पूर्व चेकअप का पेपर दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें राशि मिल जाएगी। जिसके बाद तीसरे किस्त के रुपए पाने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और पहले चक्र के टीका लगवाने के प्रमाण के साथ नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या फिर परियोजना कार्यालय में जाना होगा। इस योजना का लाभ 19 साल की उम्र या उसके बाद के उम्र की महिलाओं को ही मिलता है जो पहली बार गर्भवती हुई है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिन आवेदक के पहले बच्चे की उम्र 15 महीने से कम है और उन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, तो वह आंगनवाड़ी केंद्र जाकर 3 किश्तों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और MCP कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाना होगा, जिसके बाद उन्हें 5000 रुपए मिल जाएंगे। ये रुपए गर्भवती महिलाओं और बच्चे के जन्म लेने के बाद उनके पोषण के लिए दिए जाते हैं और सीधे महिला के बैंक अकाउंट में ही भेजे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।